मैंने देखी मिशन रानीगंज और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो लंबा होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डाइव इनटू मच ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस मूवी। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इस मूवी के लेकर जो रियल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात करेंगे। तो ऑन नवम्बर 13, 1989 232 माइनर्स ट्रैप हो गए थे इंडिया के फर्स्ट कोल माइन में जो कि रानीगंज में था, ठीक है। और उस वो इसकी वजह से हुआ था क्योंकि अंदर एक फ्लड आ गई थी और इसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी, 161 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था एंड बाकी सारे लोगों ने अंदर एक हाई पॉइंट पे शेल्टर लिया था। बाद में इन सबको भी बचाया गया था। दैट इज समथिंग विच इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस। और जसवंत सिंह गिल उस टाइम पे एक माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था इन लोगों को बचाने में, और उन सारी चीज़ों की डिटेल में यहाँ पे स्टोरी बनाई गई है जो कि इस फिल्म के फॉर्म में हमें देखने मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि इस मूवी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिस तरह से मजदूर फंसे हैं उनका दिखाई देता है, उनके इमोशंस दिखाई देते हैं, उनकी जो प्ली है उनको बचाने के लिए वो हमें दिखाई देती है इसके अंदर। दैट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस मूवी। साथ ही साथ यही एड्रेनलिन रश और किस तरह की जो अनसर्टेनिटी है वो अक्षय कुमार के फेस पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाई देती है। क्या डिसीजन लेंगे, वो किस तरह से करेंगे, वो सारा कन्फ्यूजन, वो सारा मेंटल ट्रॉमा, वो सारी चीज़ें हमें अक्षय कुमार के फेस पे देखने मिलती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय अक्षय कुमार। द इमोशनल स्क्रीन प्रेजेंस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस मूवी एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ ट्रूथ दैट यू नीड टू एक्सेप्ट अबाउट दिस मूवी। अगली बात करें तो इस मूवी के अंदर सिर्फ हमें अक्षय कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं लेकिन पब्लिक रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाए गए हैं। जिस तरह से अक्षय कुमार को थप्पड़ पड़ता है एक सीन के अंदर, वो सीन जब आपको थिएटर में देखने मिलता है तो आपको सही में उस सीन के ऊपर ऐसा लगेगा कि आपको गूस बम्प्स आ गए एंड दैट इज समथिंग विच इज़ द रियलिटी। आई ऑल्सो गॉट दैट शॉक वैल्यू जब मैंने उस सीन को देखा था। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मूवी के अंदर और इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिटेलफुली इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे डायरेक्टर ने, जिसकी वजह से डायरेक्टर की तारीफ तो हमें करनी ही पड़ेगी एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मूवी। तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा कि इन्होंने माइनिंग पेस जो टेक है किस तरह से उनको बचाया गया, वो सारी टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया, इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है मूवी के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि सुपरफिशियली आपको ये बता दिया कि हाँ बस ये दो तीन चीज़ें जोड़ दी और सबको बचा लिया, नहीं, थोड़ा सा अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने मिलता है किस तरह से सारे टेक को यूज़ किया गया, सारी चीज़ों को जोड़ा गया और किस तरह से उनको बचाया गया। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली बताई गई हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया इंटेलेक्चुअल चीज़ है जो कि इस मूवी में एक खासियत है। फिजिक्स तक इसके अंदर प्रॉपरली डेपिक किया गया है, इतना मैं कह सकता हूँ एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट दिस मूवी। अगली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे रियल सिनेरियो डेपिक्शन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली किया गया है इन अ डिटेल्ड मैनर जो कि मुझे पसंद आया, क्योंकि इंडिया में जो मूवीज बनती है वो इतना ज़्यादा रियलिज्म प्रेजेंट करती नहीं है, पर इसमें आपको रियलिज्म देखने मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और रियलिटी के जितना करीब अगर मूवी रहेगी उतना ज़्यादा वो बेहतर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और ये चीज़ इस मूवी में बहुत ज़्यादा डिटेलफुली डिस्क्रिप्टिवली दिखाई देती हैं हमें। अगली बात करें कि इसके अंदर जो VFX है, जो फ्लड वाला सीन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन जिस तरह के इमोशनल मोमेंट पे वो सीन आता है, जिस तरह से वो इस मूवी के अंदर इंटरट्वाइन किया गया है कि आप उसके VFX को इग्नोर कर दोगे लेकिन जो इमोशनल शॉक वैल्यू वो जनरेट करता है वो आप फील कर जाओगे, और इसी तरह से स्टोरी को इंटरट्वाइन किया गया है जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले को रिप्रेजेंट करता है ऑफ दिस मूवी। स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ देखने मिलेगी नहीं मिलेगी जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा है। जितनी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ है उतनी चीज़ें आपको फ्रेम में दिखाई जाती है, उतनी चीज़ें मूवी के अंदर भी दिखाई जाती है एंड दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग
पॉइंट टू पॉइंट सिनेमा, यानी कि ये बिल्कुल भी कहीं पे भी डायरेक्शन से भटकता नहीं है अंटिल द एंड ऑफ द मूवी, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट दिस मूवी. अक्षय कुमार शाइन्स आउट विथ हिज एक्टिंग एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सेप्ट. सिनेमाटोग्राफिकली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बढ़िया है. इमोशनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन से एक्सप्लोर किए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ऑफ दिस मूवी. अगली चीज़ जो इस मूवी का एक एक्स फैक्टर मैं कह सकता हूँ, वो है इस मूवी का BGM. बहुत स्ट्रॉन्ग BGM है, कई जगहों पर ये इमोशनल इंटेंसिटी आपको फील करवाता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली जो फील है वो भी जनरेट करता है. तो ऑल दिस थिंग्स ओवरऑल कंबाइंड मेक दिस अ रियली इंटरेस्टिंग वॉच. And you should definitely watch this movie. That is something which I really want to tell you, because you will get a lot of information of what really happened in India and how an invention took place in the need. मतलब वो कहा जाता है ना, where there is a need, there is an invention. तो हाँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी अपनी पूरी ग्लोरी के साथ. और अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मैं वही कह रहा हूँ, VFX और कई जगहों पर ओवर ड्रामेटाइज कर दिया गया है इस मूवी को. ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है जो कि हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है. इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब आप ये खुद डिसाइड करो कि क्या आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत कम की गई है. इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते. हालांकि मैं चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखो, इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, इसे ट्रूथ को जानो. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियली वॉन्ट टू टेल यू. और इस मूवी को देखने के बाद जब आप थिएटर से निकलते हो, आपने देखा है कि सबको बचा लिया गया है, तो वो जो फीलिंग जनरेट करती है, वो दैट फीलिंग इज रियली ओवरवेलमिंग एंड इट रियली ट्रिगर्स यू इमोशनली. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई रियली फेल्ट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी व्हेन आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द थिएटर. ऑल दिस थिंग्स कंबाइंड मेक दिस एन इंटरेस्टिंग वॉच. आपका क्या एक्सपीरियंस है अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना. और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप बी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हो.